सालों से अमेज़न हिंदू का अपमान करता आ रहा है, हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाता आ रहा है। अभी हाल ही में उसने नीचता की सारे हदें पार कर दी हैं। कुछ गिने चुने हिंदू हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, बाकी आराम से बैठे हुए, उनको कोई लेना देना नहीं है। स्थिति को पलटिए। अगर यही अपमान मुस्लिमों का होता, मोहम्मद का होता, तो अब तक अमेज़न के हेड ऑफिस में आतंकवादी हमला हो गया होता, सैकड़ों की जानें चली गई होती। दरअसल हिंदू ही इसका जिम्मेवार है। हिंदू का अपमान अमेज़न क्या करेगा, हिंदू अपना अपमान स्वयं करवा रहा है। एक वीडियो क्लिप दुखियारे हिंदू ने यूएस से भेजी है मेरे पास, देखिए। तुम्हें देखी मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। वीडियो क्लिप भेज करके कहा, राहुल भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या गलत है इसमें, जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ अर्थात पुराणों में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, वही तो इस वीडियो में दिखाया हुआ है। फिल्म बन रही है, नाटक बन रहे हैं, श्री कृष्ण को अश्लील दिखाया जा रहा है, 16,000 से ज्यादा उसकी रानियां हैं, दुराचारी व्यभिचारी है, माखन चोर है, रणछोड़ है, कौन सा अवगुण नहीं है जो श्री कृष्ण में नहीं दिखा रहे ये लोग। भागवत पुराण में लिखा हुआ है, भागवत कथा हिंदुओं के घरों में होती, रात्रि जागरण होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश हिंदू समाज दुराचारी व्यभिचारी हो गया है, और दुराचारियों का आदर्श भी, उनका महापुरुष भी दुराचारी ही होता है, और वही हो रहा है। ये जो कृष्ण दिखाया जा रहा है, ये दुराचारी लोगों का कृष्ण है, ये सच्चा कृष्ण नहीं है। महाभारत पढ़िए, कृष्ण का इतिहास केवल महाभारत में है। इतनी बुद्धि तो लगाइए कि जो कौरव पांडवों का है, महाभारत से रिलेटेड जो इतिहास है, वो महाभारत के ग्रंथ में है, अन्य कहीं पुराणों में नहीं है। ये तो झूठे लोगों के ग्रंथ हैं। महाभारत जब पढ़ेंगे पता लगेगा, श्री कृष्ण रणछोड़ नहीं थे, माखन चोर नहीं थे, योगीराज श्री कृष्ण थे, सदाचारी थे, उनकी एक ही पत्नी थी रुक्मणी। ये राधा वाधा क्या होती, कोई राधा राधा नहीं थी। ये तो दुराचारी लोगों ने, आप जो बुरा काम गलत काम करना था वो श्री कृष्ण के पल्ले बांध दिया। अब हमारा आदर्श योगीराज श्री कृष्ण है, इनका आदर्श क्या है, दुराचारी श्री कृष्ण है। इनके धर्म ग्रंथ भागवत आदि में लिखा है हिंदुओं के, हमारा वो आदर्श नहीं है। जब मैं इनसे कहता हूं कि ये क्या कर रहे हो आप, तो कहते हैं कि महाभारत हम पढ़ नहीं सकते, भागवत में जो लिखा है वही हम मानेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते महाभारत, बोले पंडित पुजारियों ने मना किया है, महाभारत पढ़ोगे तो घर में झगड़ा होगा। मैंने कहा अरे मूर्खों, घरों में झगड़े अब नहीं होते, अब तो तुम महाभारत नहीं पढ़ते, अब क्यों घरों में झगड़े होते हैं, अब क्यों घर टूटते हैं, क्यों तलाक होते हैं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों पंडित पुजारी कहते महाभारत मत पढ़ो, अगर महाभारत पढ़ने लग जाएंगे तो पता लग जाएगा कि श्री कृष्ण इतने उच्च कोटि के योगी थे, उनमें कोई भी दोष नहीं था, दुराचारी नहीं थे, सदाचारी थे, ये पता लग जाएगा। तो इसीलिए ये सारा टंटा यहां पर हुआ है। हिंदू खुद जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने वही आदर्श बनाए अपने जैसे ये स्वयं थे, और जो गलत काम इनको करने थे अपने आदर्शों में चेप दिए इन लोगों ने। ये दुर्भाग्य है इस हिंदू समाज का। इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाना, हम वैसे ही हैं जैसे हमने अपने आदर्श बनाए हुए हैं। आदर्श अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, आदर्श यदि दुराचारी व्याभिचारी अनाचारी हैं, बलात्कारी हैं, और जिनमें हर प्रकार के दोष हैं, तो समझ लेना हिंदू समाज पूरा वैसा का वैसा हो गया है। हमारी वीडियो देखिए पता लगेगा, अरे दुष्ट जब वीडियो बनाते हैं उनकी वीडियो में, और जहां पर लिखा होता है सीधा सीधा थंबनेल में, इस ऋषि ने इसके साथ वो व्याभिचार किया, इंद्र ने कैसे व्याभिचार किया, और एक एक चीज वहां पर वो बताते हैं, उस फिर वो वहां से आया, वो वहां से आया, उस ऋषि ने ये किया उसने, और ऐसी ऐसी वीडियो यूट्यूब पर मिलियंस में जाती, वायरल होती। इसका क्या मतलब जानते हो, क्योंकि दुराचारी हो गए सब, दुराचारी लोगों को ये अच्छा लगता है, वो इन वीडियो को देखते हैं, अपना अपमान स्वयं करवा रहे हैं। अमेज़न नहीं कर रहा है, कौन कह रहा है अमेज़न कर रहा है। और जब राहुल आर्य बनाता है ना वीडियोस प्रमाण के साथ, श्लोक दे करके, मंत्र दे करके, वेदों के इतिहास की ऐतिहासिक सामग्री उठा कर लाता है ना, तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये लगा हुआ है, हमें क्या लेना देना भैया। इसका सीधा अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए हम अपने जैसी चीजों को क्रिएट करते हैं,
सच नहीं होता वो, हम उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ऐसा ही पुराणों के साथ हुआ, ये पुराण सारे क्रिएट किए गए हैं, सच नहीं है। सच तो वही है जो थैंक्स भारत चैनल आपको दिखा रहा है, जो थैंक्स भारत चैनल आपको बता रहा है, सुना रहा है। इसीलिए इन वीडियोज को शेयर करिए।